अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे गोलगप्पे, जिनको बनाना बहुत ही आसान है, जो कि सबके फेवरेट होते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग इसकी डो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमें एक कप मैदा और एक कप सूजी चाहिए, जिसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब बारी आती है इसका पानी बनाने के लिए, तो इसके लिए हमें चाहिए है 2 चम्मच जीरा, 1 टेबलस्पून हमें चाहिए काली मिर्च। इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। इन दोनों को भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कोरिएंडर। उसके बाद हम इसमें चॉप करके 3 अदद हरी मिर्च ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें लाइम जूस ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें पुदीना ऐड कर लेंगे। फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून काला नमक ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून हम रेगुलर सॉल्ट ऐड करेंगे। फिर हम इसमें 1 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून सूखा धनिया ऐड करेंगे और 4 ग्लास हम इसमें इमली का पानी डालेंगे। इमली को आप पहले से भिगो के रख लें और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब बारी आती है फिलिंग की, तो उसके लिए हम लोगों ने 3 आलू ले लिए और उनको बॉईल कर लिया है। अब बारी आती है हमारी डो की, तो हम लोगों ने डो को सेट होने के लिए रख लिया था। अब हम इसके दरमियाने साइज़ के पेड़े बना लेंगे। उसके बाद हम किसी भी कुकी कटर की मदद से इसको दरमियाने शेप का काट लेंगे। जितना पतला आप रोटी की थिकनेस को रख सकते हैं, उतना पतला आपने इसको बेलना है, क्योंकि जितने पतले ये होंगे उसी की वजह से हमारे गोलगप्पे अच्छे तरीके से फूल सकेंगे। उसके बाद आपने जैसे जैसे इनको काटना है, साथ साथ आपने इनको फ्राई करना है, ताकि ये हमारे पास अच्छे तरीके से फूल जाएं। हम इनको डीप फ्राई करेंगे और जब तक इनका गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता, हम इनको फ्राई करेंगे। आपने इनको कॉन्टिन्यूसली स्टेयर करना है और ये देख सकते हैं हमारे गोलगप्पे बिल्कुल तैयार हैं। अब आप इसकी फिलिंग कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक। आप इसमें चने ऐड कर सकते हैं, मिल्को ऐड कर सकते हैं, चटनी ऐड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।